नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं छोटी बूटी का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप चाहे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, चाहे बच्चों के स्वेटर में डालिए, ये सब में बेहद खूबसूरत लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 1 फंदा एक्स्ट्रा। तो मैंने 10 फंदे सिलाई में डाले हुए हैं और बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो और डिज़ाइन अच्छे लगे तो कृपया इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से। डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे अगले 2 फंदे उल्टे, अब उन दूसरी ओर करेंगे और नेक्स्ट फंदे में हम देखिए ये इस 2 फंदे के ये बीच का धागा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये 1 फंदा है, ये दूसरा फंदा है और ये इसके बीच का धागा है। तो इस धागे के नीचे हम सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब अगले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब देखिए ये जो है दोनों फंदों के बीच का ये धागा है, तो इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो देखिए ये बीच का फंदा है और दोनों साइड से हमने एक एक फंदा बना लिया। देखिए ये बीच का फंदा है और दोनों साइड से हमने एक एक फंदा बना लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे और अगले 2 फंदे उल्टे, अब उन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए ये हमारा फंदा है, तो इसको बुनने से पहले हम इसके पहले जो धागा है, देखिए इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब इस फंदे के बाद जो धागा है उसके नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर से देखिए ये फंदा है और इसके ये साइड का ये धागा है, तो एक बार हम इसमें सीधा फंदा बुनेंगे, इस धागे के नीचे सिलाई ले जाके सीधा फंदा बुनेंगे। तो ये एक फंदा हो गया। अब इस फंदे में हम जैसे सीधा बुनते हैं वैसे सीधा बुनेंगे, और अब इस फंदे के साइड में ये जो धागा है इसके नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो हमने ये 3 फंदे बना लिए। अब उन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदे उल्टे, और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और जो 2 फंदे हमने उल्टा बुने थे अब इस साइड से उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो 2 फंदा सीधा उन अपनी ओर, और देखिए ये हमने 3 फंदा बुना था, ये सीधा फंदा उसके दोनों साइड से फंदे उठाकर हमने बुना था। तो इन तीनों को हम एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अब उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा, ये हमने जो 2 उल्टे बुने थे पीछे की तरफ से वो सीधे हो जाएंगे, तो 2 फंदा सीधा उन अपनी ओर। और देखिए ये हमारे 3 फंदे हैं जो हमने साइड से दोनों उठाए थे, तो वो तीनों फंदे हम तीनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अब उन दूसरी ओर लास्ट में 3 फंदे हैं, तो 2 फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, हम रॉन्ग साइड में हैं तो उल्टा इसे बुन लेंगे। तो ये हमारा 2 लाइन कंप्लीट हो गया। अब इन्हीं दोनों लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है। एक बार फिर देख लीजिए, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा, तीसरा फंदा ये देखिए सीधा है, तो
इस फंदे को बुनने से पहले हमें ये जो धागा है इसके नीचे ऐसे सिलाई डालना है, एक सीधा फंदा बना लेना है। अब इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे और फिर इस फंदे के बाद जो ये धागा है यहाँ सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। सीधे फंदे के दोनों साइड से हमने एक एक फंदे उठा लिए तो ये हमारे तीन फंदे हो गए सीधे, तो दो उल्टा और तीन सीधा। इन्हीं पांच फंदों को हमें दोहराना है, उन अपनी ओर करना है, दो फंदा उल्टा बुनना है, उन दूसरी ओर करना है और अगला फंदा सीधा है। तो इसे बुनने से पहले हमें इसके पहले जो धागा है इसे उठाएंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर इस फंदे को सीधा बनाएंगे और फिर इसके बाद भी जो धागा है वहां से हम एक फंदा ऐसे, देखिए ये जो धागा है यहाँ से हम सिलाई डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे। तो ये तीन फंदे सीधे हो गए। तो इन्हीं पांच फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। लास्ट में तीन फंदा बचेगा तो दो उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से देखिए ये दो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर देखिए तीन फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं। तो इन तीनों को हमें एक साथ लेकर एक उल्टा बनाना है, तीन का हमने उल्टा बुनते हुए एक कर लिया। तो हमारे जितने फंदे थे वापस उतने ही फंदे हो गए, उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर अब तीन उल्टे फंदे हैं, ये दो बढ़े हुए फंदे हैं। तो इस लाइन में हम इन दोनों को घटा देंगे यानी तीन से एक कर लेंगे। तो हमारे जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो गए, देखिए चार चार आठ दो दस, तो हमारे वापस उतने ही फंदे हो गए। लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा डिजाइन स्पष्ट होने लगा है। तो इन्हीं दोनों लाइनों को दोहराने से ये देखिए खूबसूरत सा डिजाइन बनता चला जाएगा। देखिए अब आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। तो दो ही लाइन का ये डिजाइन है और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, आप इसे जेंट्स स्वेटर बनाएं ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा, इसे जेंट्स हाफ स्वेटर में डालें ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा, चाहे लेडीज कार्डिगन में जैकेट में भी डालेंगे ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स डिजाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। आशा है आपको डिजाइन पसंद आया होगा, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।